है सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा का ज्वाला। चुनावी घोषणा पत्रों की राजनीति। आप सबको पता है 2019 लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपने अपने घोषणा पत्रों को जारी कर चुकी है। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों में जमीनी वास्तविकताओं में बदलाव लाने की कोशिश कम और वोटरों को आकर्षित करने के वायदे ज्यादा है। कांग्रेस यदि गरीबों को हर साल 72,000 रुपए देने का वायदा करती है, तब भाजपा ने किसानों व दुकानदारों को पेंशन देने का वायदा किया है। भाजपा के घोषणा पत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन राशि का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। यूं भी भाजपा ने अपने पहले किए वायदे को दोहराते हुए किसानों को वार्षिक 6,000 रुपए देने की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में हुसैनीवाला फिरोजपुर में किसानों को प्रत्येक माह 5,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा करने के बाद चुप्पी साध ली है। उस घोषणा के अनुसार किसानों को 60,000 रुपए वार्षिक देना बनता था, जो 6,000 रुपए तक ही सीमित कर रह गया है। भाजपा ने किसानों को 1,00,000 रुपए के कर्जे पर 5 साल तक ब्याज न लेने का वायदा किया है। उधर कांग्रेस ने पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए कर्ज माफी योजना की शुरुआत की है। दोनों पार्टियां किसानों को आकर्षित करने के फार्मूले का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन देश की कृषि, उद्योग और रोजगार के लिए कोई ठोस नीति का जिक्र तक नहीं किया गया। इन योजनाओं के लिए कहां से पैसा आएगा और सरकार की आमदनी कैसे बढ़ेगी, इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। सवाल यह है कि क्या घोषणा पत्र का मतलब केवल लोगों को सुविधाएं देना है या देश के आर्थिक विकास के लिए भी कुछ करना है। सच्चाई यह है कि इन योजनाओं से रोजगार में विस्तार नहीं होगा। घोषणा पत्रों में पेंशन शब्द बड़ा आम हो गया है। हैरानी की बात यह है कि सरकार नए रोजगार के अंतर्गत वेतन देने की बजाय पेंशन का जिक्र करती है, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार नौकरी देने से भाग रही है। यह भी हैरानी की बात है कि केंद्र व राज्य सरकारें कर्मचारियों को पेंशन देने से तो भाग ही रही है, दूसरी ओर अस्थायी कर्मचारियों को भी स्थायी नहीं कर रही। यही भी उसी तरह उल्टी गंगा बह रही है। जिस तरह 8,00,000 की आमदन वालों को आर्थिक तौर पर पिछड़ा मानकर आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन 5,00,000 से अधिक आय पर टैक्स वसूला जा रहा है। पार्टियों के लिए चुनाव का तात्पर्य केवल सत्ता प्राप्त करना है, जिसमें वायदों को अमली जामा पहनाने का स्पष्टीकरण देने की बजाय वोट नीति को ही ध्यान में रखा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।